चूल्हा, चौका, बर्तन, ये सब काम लड़कियों के होते हैं, मगर ये सच नहीं है। देखिए, हरियाणा का समाज थोड़ा सा कंजर्वेटिव समाज है, जैसा आप सब लोग, स्पेशली फॉर गर्ल्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके जी, मुझे लगता है भगवान की कृपा मुझ पर सदा बनी रही है। तो आई यूज़ टू ट्रेवल 30-35 किलोमीटर एवरी डे फॉर कॉलेज। टू एंड हाफ किलोमीटर वॉक डाउन गोइंग एंड टू एंड फ्रो, 5 किलोमीटर एवरी डे। उसके बाद फिर थ्रू रोडवेज बस टू भिवानी, एंड फिर वहाँ से जो कॉलेज जितनी दूर था। तो इट वॉज एन रियली स्ट्रगल फॉर ए गर्ल, बट यस, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का विक्टिम नहीं बनना है, इस फीलिंग का सीडिंग कहाँ पे हुआ? आपने जब कांस्टेबल का फॉर्म भरा तब, या शायद बचपन से ही कहीं ना कहीं ये भावना आपके? बचपन से ही थी। मेरे पापा की जो मैरिज है, अभी जो मैरिज है, इट्स सेकंड मैरिज। बड़ी मम्मी जो थी वो एक्सपायर हो गई थी, तो माई मदर, सो इट वॉज अ चाइल्ड मैरिज बेसिकली। माई मदर्स मैरिज वॉज अ चाइल्ड मैरिज। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत क्लोजली आई सॉ हर लाइफ, दैट वॉज वेरी मिजरेबल इन मैनी वेज। मैंने कहा वॉयलेंस, आई सॉ द वॉयलेंस इन माई होम। ओके, तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आई सॉ माई मदर वर्किंग हार्ड ऑल डे, शी इज़ ब्रिंगिंग 5, 6, 7 चिल्ड्रन एट होम, बट नो क्रेडिट टू हर, नो वन इज़ रिकोगनाइजिंग एनीथिंग, नो वन रिस्पेक्टिंग हर। और वो बस सारा दिन मेहनत ही करती थी, शी वॉज नॉट इवन एक्सटेंडेड एनी रिस्पेक्ट एंड ऑनर इन एनी सेंस। She was sometime cruelty भी she had, generally she had to bear sometime. मन में होता है ना कसक, माँ के साथ जब आप देखते हो at home तो you don't bear, फिर आपको बहुत बुरा लगता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता था, आई ऑलवेज थॉट कि ऐसी लाइफ तो नहीं जी सकते हैं। मम्मी भी कहती थी कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगी तो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसा जीवन जियो। शी यूज़ टू से टू ईच एंड एवरी वन। जब बड़ी बहन की शादी हुई तो मदर का कुछ चला नहीं, बट उसके बाद मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। उन्होंने मेरे फादर को कहा कि एक बेटी का जीवन आपने ख़राब कर दिया है, अभी ये पढ़ना चाहती है तो मैं इसको आपका जीवन खराब नहीं, इनका जीवन नहीं ख़राब करने दूंगी। शी विल डिसाइड व्हाट टू डू, होम टू मैरी, नॉट टू मैरी। तो इट वॉज़ अ रिवोल्यूशनरी चेंज एंड आइडियाज़ टू द सोसाइटी एट दैट टाइम। माई फादर यूज़ टू से कि मेरे घर में नहीं चलती, वट कैन आई डू। और ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन तो आई नेवर तक, मैं कभी अवेयर नहीं थी कि क्या होता है IAS और कैसे होता है, कैसे बनता है, मैं कुछ नहीं पता था, ना ही हम किसी को जानते थे हमारे आसपास कोई इस तरीके का था। बट ग्रेजुएशन होते होते जब आपका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता है तो यू ट्राई टू फाइंड सच पीपल। मेरे मामा जी के यहाँ पे एक लड़की उस टाइम पे DSP सेलेक्ट हुई, DYSP थ्रू हरियाणा सिविल सर्विस, लाइक जैसे गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है या गुजरात पुलिस सर्विस होता है, इस तरीके से। शी वॉज़ फ्रॉम द विलेज ऑफ माई मैटरनल साइड। तो आई वेंट देयर एंड ट्राई टू मीट हर, बट आई कुडंट मीट हर, आई मेट हर फैमिली मेम्बर्स। तो उसके बारे में सुन सुन के ही वो एक हीरोइक इमेज आपके दिमाग में होती है। तो आई यूज़ टू इमेजिन माई सेल्फ लाइक कि अच्छा, इसकी तरह मैं भी हो जाऊँ तो कितना अच्छा है। की बजाय IPS ऑफिसर बनना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं बचपन से पुलिस को पसंद करती थी, मुझे हमेशा पुलिस सर्विस बहुत पसंद थी और यूनिफॉर्म सर्विसेज में मैं जाना चाहती, यूनिफॉर्म सर्विस ही मुझे अच्छी लगती थी। और उसके पीछे रीज़न ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये जो इस तरीके का माहौल बना हुआ है, ये जो डिस्ट्रेसिंग और वायलेंट कंडीशंस वुमेन के लिए हैं, जो महिलाओं के साथ ऐसा होता है, बच्चियों के साथ ऐसा होता है, उसके लिए मैं एकदम रिवोल्यूशनरी काम करूँगी, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, स्पेयर नहीं करूँगी जो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वो उस तरीके की फीलिंग आती थी इसलिए। बट ग्रेजुएशन होते होते यस, आई कुड नो कि एक DYSP लेवल होता है और इसमें आपको जाना होता है। बस उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड माई एजुकेशन, आई डिड MA मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और तब तक धीरे 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 वो बैटल जारी रही, और ग्रेजुएशन होने के बाद तो और इंटेंस हो गई कि तब तक मुझे पता चल चुका था कि अभी मुझे IAS करना है। ओके, ग्रेजुएशन के बाद आपको पता चला? तब तक ग्रेजुएशन और MA के दौरान, मास्टर्स के दौरान, इन पिछले 2-3 साल में मैंने रियलाइज़ कर लिया, कहीं से सुना कि नहीं से मिली, जैसे भी, आई वॉज ट्राइंग फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज। मीनवाइल आई गोट टू नो कि थोड़ा स्टेट में बहुत मुश्किल होता है ड्यू टू सम रीजन्स, तो आप IAS के लिए ट्राई करिए।
तो ठीक है, फिर पता चल गया. उसके बाद मैंने पेरेंट्स को बोला कि दिल्ली भेज दीजिए. सब कहते थे कि दिल्ली चले जाइए. जिनसे भी मैं मिली, जो लोग थे, जो तैयारी करते थे या जो सेलेक्ट हो गए थे, कभी एक दो ऐसे आदमी से भी मिलने का मौका मिला ग्रेजुएशन के बाद, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली चली जाइए, गांव में रह के आप नहीं आईएएस बन सकती हैं, आपको यहां से निकलना होगा. तो मैंने अपने पेरेंट्स को समझाना शुरू किया कि नहीं, मुझे निकलना है, अभी यहां से निकलना है. देन अगेन माई पेरेंट्स टोल्ड कि नहीं नहीं बेटा, अभी तो शादी करेंगे, देखो बहुत बड़ी उम्र हो गई ग्रेजुएशन के बाद, तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बड़ी उम्र हो गई है तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा. एक जगह तो ऑलमोस्ट उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का ही कर दिया था, जो मैंने तोड़ा, लिटरली तोड़ा. और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी है. उसके बाद मैंने कहा मुझे आईएएस ही करना है, मैं आईएएस ही करना चाहती हूँ, मुझे तैयारी करने दीजिए. ठीक है, जब आप एक बार बहुत अच्छे रिश्ते के लिए ना कर देते होने के बाद भी, तो पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं बस अब हम और स्ट्रेच नहीं करेंगे, लेट हर टेक हर ओन डिसीजन, ओन हर डिसीजन. ठीक है, अब आप जाने, आप पढ़ाई करें, आप आईएएस बने, आप जो भी बने, अब आपके डिसीजन आपके अपने हुए, अब हम आपके बीच में नहीं आएंगे. And they send me to Delhi also for Union Public Service Commission. पर दिल्ली आपको भेजा आपके पेरेंट्स ने परेशान होकर या हथियार डाल दिए इस हिसाब से या इस विश्वास के साथ में कि आप आईएएस ऑफिसर बन के लौटेंगे? देखिए उस टाइम पे तो आई वुड से कि हथियार डाल दिए. उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि नहीं मानेंगी, एक कहीं ना कहीं भरोसा भी था उनको कि ये कर लेंगी, वो भरोसा भी साथ में था, तो इसलिए उन्होंने हाँ की और मुझे दिल्ली भेज दिया. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एक दो साल घर में बिताने के बाद 2006 में आई वेंट टू दिल्ली और टिल 2003 to 2005 आई वॉज एट होम. आई वॉज फाइटिंग विद माई फैमिली कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, दिल्ली जाना है. आई वॉन्ट टू बी एन आई एस ऑफिसर, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, टाइप से कि मैं सिविल सर्वेंट्स बनना चाहती हूँ. तो फाइनली वो कहते हैं पेरेंट्स बहुत काइंड होते हैं अपने बच्चों के प्रति, बेशक वो कैसे भी डिसीजन, कई बार हार्श डिसीजन ले लेते हैं ड्यू टू सम प्रेशर्स, बट फाइनली दे वॉन्ट योर वेल बींग्स. तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया एंड मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत की. मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मेरी एजुकेशन इस तरीके की थी, बहुत ही, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, गांव के स्कूल में इंग्लिश मीडियम नहीं होता था मेरे. मैं चली तो गई दिल्ली, वहाँ जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद आफ्टर 3-4 मंथ्स हॉस्टल में आप रहती थी तब दिल्ली में, पीजी, जो आपके पीजी होते हैं उसमें रहती थी. आई सॉ पीपल प्रिपेयरिंग एवरीवेयर फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपल आर वेरी ब्रिलियंट. और मैंने खुद को पाया कि मैं तो, मुझे तो कुछ नहीं आता. ठीक है, मैं अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म करती थी, बट इस लेवल का मुझे कोई नॉलेज नहीं है. मुझे तो ये नहीं पता था कि इस अखबार में पढ़ना क्या है. सब लोग न्यूज़पेपर लेते थे, आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग न्यूज़पेपर, बट आई वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ, फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर वहीं पढ़ रहे थे, गांव में तो कभी आया नहीं किस न्यूज़पेपर, 4-5-6 पेज का न्यूज़पेपर होता है, रेलिवेंट न्यूज़ कौन सी है आई नेवर नो. पूरा पढ़ना होता तो पूरा दिन न्यूज़पेपर पढ़ने में ही चला जाएगा, वट एल्स आई विल रीड. तो धीरे धीरे पता नहीं था, आई स्टार्टेड टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम माई पीजी मेट्स, दे आर नॉन एंड धीरे 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 आप समझते चले जाते हैं कि नहीं, कई आपको बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़नी पड़ती जो बाद में पता चलता है कि ये बेकार थी, ये नहीं पढ़नी चाहिए थी, टाइम वेस्ट हो गया या, लेकिन धीरे धीरे आप जिस राह पे चलते हैं आपको लोग भी मिल जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं. ठीक बात है, वो कहावत है कि अगर आपके जो इरादे हैं तो कायनात उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है, उसी तरीके से जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप आगे बढ़ते हैं. तो वही होता चला गया. I would say I am a lucky girl and very much fortunate. I always got support whenever it was required in every form, whether it is in financial form. Some of my relatives also extended their financial help to my parents at that time when I was preparing, someone to good person, and they supported me. Parents was there. और जैसी आपकी education थी उसके हिसाब से guide करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने धीरे धीरे गाइड करना भी शुरू किया. और फिर आप खुद एक बार जब समझ जाते हैं चीज़ों को, देन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है. अच्छा, तब तक आपके गांव में या आपके परिवार में आईएएस का क्या पोजीशन होता है, क्या मतलब होता है, वो पता चल चुका था, क्योंकि आईएएस में वो डीसी को देखते थे. हमारे यहाँ कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, तो उनको ये पता था कि डीसी बनने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि डीसी वॉज ए वेरी विजिबल एंड अपेरेंट फिगर इन द सिस्टम. अच्छा, डीसी बनेगी तेरी बेटी, डीसी देखा कैसे बनते हैं, ख्वाब लेना अच्छा है, ख्वाब लेना अच्छा है, देखो ख्वाब देखो, खराब करो अपने पैसे, ऐसे भी कहते थे कुछ लोग गांव के. जिसको और कुछ कहना था वो और कुछ भी कहता था, जिसको जो कहना था वो कहता था कि
वहाँ पता नहीं क्या करती है, क्या रहती है, कैसे रहती है, वो जो एक जनरल स्टेटमेंट सोसाइटी से आती है, इट वॉज कंटिन्यूड कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड. बट पेरेंट्स को कहीं कहीं लगता भी था कि अगर नहीं हुई तो, बिकॉज दे वर इन्वेस्टिंग इन ए वेरी डार्क, आई वुड से इट वॉज अ डार्क इन्वेस्टमेंट काइंड, कि उसमें उनको पता नहीं था कि इट विल बी रिटर्न और नॉट. दे रेज मनी ऑन इंटरेस्ट, इधर उधर से पैसे लिए, क्योंकि फाइनेंशियली यू आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि उसमें आप बहुत खर्चा कर पाते. मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, पैसे की ज़रूरत होती थी तो पेरेंट्स कहीं कहीं से लाते भी थे, मांग के भी लाते थे, मुझे पता है. और मैं सोचती थी कि ये कैसे रिटर्न होगा, मतलब आई विल डेफिनेटली रिटर्न ऑल ऑफ दिस. जब सेकेंड अटैम्प्ट हुआ तो व्हेन आई केम होम, माई फादर आस्क्ड मी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कर दोगी? मैंने कहा 100% कर दूंगी, आज आप सिग्नेचर करवा लो मेरे से, क्योंकि आई एम वेरी क्लोज टू सक्सेस नाउ. आई कैन जज माई सेल्फ, आई कैन वेरीफाई माई सेल्फ. आफ्टर फर्स्ट अटैम्प्ट आई वॉज कॉन्फिडेंट एनफ, क्योंकि एक साफ दिख रहा था मुझे कि आई हैव लॉस्ट इन दिस पार्ट. बाकी सब पार्ट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मुझे लग रहा था इस पर ही इतना ही फोकस करना है, अगर ये और कर लेते हैं तो हो ही जाना है. और सेकेंड अटैम्प्ट में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाना है. मीन वाइल फर्स्ट से लेके सेकेंड अटैम्प्ट के बीच में आई टुक एन एग्ज़ाम एज एन टीचर नवोदय स्कूल का. आई पास दैट एग्ज़ाम बिकॉज समवेयर इन माई माइंड इट वॉज गोइंग थ्रू कि पेरेंट्स ने बहुत खर्चा कर दिया. इट इज़ 3 years ऑलमोस्ट आई एम स्टेइंग इन दिल्ली ऑन देयर एक्सपेंडिचर, नाउ दे आर नॉट एबल टू रेज माई एक्सपेंडिचर्स. तो मैंने सोचा कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट एनफ. माई मदर ऑल्सो सिग्नल मी कि आपको अब कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इतना अगर आपको सपोज 2-3 years और लगते हैं तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू बियर द एक्सपेंसेस. तो मैंने फर्स्ट में आई ट्राइड कि मैं अभी आई डिड बीएड मीनवाइल, बीएड भी मैंने किया. तो आई टुक एग्ज़ाम एज एन टीचर फॉर नवोदय स्कूल एंड आई पास द एग्ज़ाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. जैसे ही हुआ तो आई ज्वाइंड एज एन टीचर इन लोंगोवाल नवोदय स्कूल इन पंजाब एज ए SS टीचर एंड आई डिड माई जॉब फॉर 8 and 10 months. इतना मैंने नौकरी किया उधर. और उसके बाद मेंस का रिजल्ट आ गया, आई पास द मेंस एग्ज़ाम. तो आई वाज कॉन्फिडेंट एनफ कि अब मेंस पास हो गया है, आई विल गेट थ्रू. आई आस्क्ड माय मॉम टू रिजाइन फ्रॉम टीचिंग सर्विस. अच्छा, योर मॉम वाज वर्किंग समवेयर? नो, शी वाज एट होम. अच्छा, आपके उसमें से रिजाइन करने के लिए मैंने पूछा कि आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर विद दिस जॉब बिकॉज नवोदय स्कूल इज द रेजिडेंशियल स्कूल. तो आपकी टीचर की जॉब में फुल डे ऑक्यूपाई रहते हैं आप रात तक ऑन ड्यूटी रहते हैं. तो आई कुड नॉट स्पेयर टाइम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू. तो आई आस्क माई मदर कि मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू. तो माई मदर टोल्ड कि अच्छा तुझे करना है तो कर दो. शी वॉज सच ए सपोर्टिव लेडी, बींग एन अनएजुकेटेड वुमेन, शी वॉज रियली मार्वलस. तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरा डिसीजन है ना, तुझे लग रहा है तो तुम कर दो, मुझे कोई इशू नहीं. आई इमीडिएटली ऑफर्ड माई रिज़ाइन टू टीचिंग सर्विस एंड फुल फ्लैज आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन माई इंटरव्यू. ग्रेजुएशन UPSC होने के बाद थोड़े दिन में इंटरव्यू कॉल हो गई. मीनवाइल आई हैड एन एग्ज़ाम फॉर हरियाणा सिविल सर्विस. आई टुक दैट एग्ज़ाम ऑल्सो एंड आई पास द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम. उनका भी, हरियाणा सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम मेरा पास हो गया था. बट आई गॉट इन टू सर्विस, आई गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट एंड द डे, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, आई डोंट नो, व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट कि आई एम इन द लिस्ट. माय गॉड, तो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगा, बहुत सारे लोगों के लिए खुशी होगी. कॉल्ड माय मदर फर्स्ट एज आई गॉट द कॉल फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, UPSC में जो लिस्ट लगी है तुम्हारा 98 रैंक है. ओके. मैंने कहा आई नेवर एक्सपेक्टेड फॉर सच ए गुड रैंक. मुझे लगता था हिंदी मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ही मटेरियल अवेलेबल है, इंग्लिश की अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, हिंदी में बहुत कम सिलेक्शन का परसेंटेज भी 10 or 11% ही था हमारे बैच में. एंड आई कॉल्ड माई मदर एंड टोल्ड कि आपकी बेटी सेलेक्ट हो गई है एंड सी वॉज सो हैप्पी. माई फादर इज़ ए हार्ट पेशेंट, मीन्स मैंने कहा कि पापा को पहले गोली देना और फिर बताना. ओके. ऐसा नहीं कि खुशी के मारे उनको कुछ हो जाए, जैसे कि इस टाइम पे आई एम गॉट इन टू सर्विस. बट यस, दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर विच सर्विस आई विल गेट. आई गॉट फॉरन सर्विस, सर्विस अलॉटमेंट में.
उसके बाद रशिया का पहला असाइनमेंट था आपका? हाँ, फर्स्ट असाइनमेंट था. हमें लैंग्वेज लेनी होती है, एक फॉरेन लैंग्वेज एज ए पार्ट ऑफ अवर ट्रेनिंग वी हैव टू पास. आई टुक रशियन लैंग्वेज. तो आपको लैंग्वेज पास करनी होती है, सब्सिक्वेंटली आपकी पोस्टिंग्स करनी. रशियन लैंग्वेज लेने के पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न? रशिया बचपन से सुनते आए थे मॉस्को के बारे में. रशिया वॉज ए वेरी रिलायबल अलाई विद इंडिया. वी यूज़ टू हियर मच एंड मच अबाउट रशिया. व्हेन आई टोल्ड माई फादर आई एम गोइंग टू रशिया, ही वॉज वेरी हैप्पी. कि ऐसी फीलिंग थी कि एक कंट्री जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए थे, जिसकी हिस्ट्री आपके जो जब व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC वी वेंट थ्रू द हिस्ट्री. हिस्ट्री में भी देखा कि कितना क्लोजली रशियन आइडियोलॉजी ने हमारी आइडियोलॉजी को इफेक्ट किया. हाउ दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट इन ईच एंड एवरी बैड टाइम्स. तो इट वॉज ए नेचुरल अटैचमेंट काइंड ऑफ थिंग टू रशिया. व्हेन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी आई चूज रशिया फॉर दैट. कैसी फीलिंग आपको आई जब 5 किलोमीटर आगे स्कूल तक जाने में जहाँ जिस गाँव में प्रॉब्लम थी, जिस फैमिली में प्रॉब्लम थी, वहाँ एक एम्बेसडर बन के रशिया में आप जाके भारत को रिप्रेजेंट करने वाली थी, वो पल कैसे थे आपके? वो तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ये एक ऐसी फीलिंग थी कि आप उसको चाह के भी शब्दों की लय में पिरो नहीं सकते हैं. अपने आप में एक ऐसा प्राइड था कि जो लड़की 5-10 किलोमीटर जाने के लिए सोचती थी, जो मन में ही सोचती कि शायद शहर में ये लोग जो रहते हैं, शहरों में ये लोग जो रहते हैं, ये कितने लकी होते हैं, इनकी लाइफ कैसी होती है. जो लड़कियों को एजुकेशन का मौका मिलता है, जो अच्छे घरों में रहती हैं, इनकी लाइफ कितनी लकी होती है, ऐसा इमेजिन करने वाली लड़की. और जब आपको एक ऐसा प्राइड मिलता है, एक ऐसा मौका मिलता है, जब आप विदेश ट्रेवल कर रही हैं वो भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड. हाउ डू यू फील व्हेन यू रेज योर फ्लैग आउटसाइड? इट्स ए डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट एट ऑल. उसको अपने आप को, अपने देश को रिप्रेजेंट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी बात है. एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड. कौन सी मूवी आपको उस जमाने में पसंद थी या आज भी आपकी फेवरेट वंस अपॉन ए टाइम वाली मूवी जो होती है? मैं मूवी मेरी एक मेरी हॉबी रही है. मूवी देखना बचपन से ही पसंद है, म्यूजिक सुनना, मूवी देखना. मुझे पुराने सारे गाने मेरे सुने हुए हैं. जनरली कोई भी गाना आता है तो मैं घर पे कहती हूँ कि ये मेरा गाना सुना हुआ है. कौन सा सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? सारे, बहुत सारे गाने अच्छे. फिर भी ऐसा होता है ना कि कोई कोई सॉन्ग से लगता है हम जुड़ गए हैं. मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, ऐसा अगर मैं कहूँ तो शायद मैं कोई गाना आपको बता सकूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे फेवरेट गाना है. तो ऐसा कोई गाना आपके लिए सबसे फेवरेट रहा हो? क्योंकि तब बचपन सपनों से जुड़ा हुआ होता है. यस यस, एब्सोल्युटली ट्रू. जैसे जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जो हम सुनते थे उस टाइम पे. बहुत मोटिवेटिंग लगते थे ये सब गाने, तो बहुत अच्छे लगते थे. मतलब आप रियलिस्टिक और आर्ट फिल्मों को ज़्यादा पसंद करती रहीं बजाय फैंटेसाइज्ड की हुई मूवीज़ के, कि घोड़े पे बैठ के सफ़ेद घोड़े पे सपनों का राजकुमार आएगा वाली काइंड ऑफ मूवीज आपने नहीं पसंद की? सपनों का राजकुमार आएगा ऐसा कभी सोच ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं मिला. आप के कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है. एक बेटा है, ओके. वो आपके जैसा जिद्दी है? हाँ, बच्चे तो जिद्दी होते हैं. आपकी जिद आपके करियर को बनाने के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, या आपके अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए फोकस्ड आप रहीं, उस तरीके की जिद है या बचपने वाली जिद जो होती है वो है? अभी तो बहुत छोटा है. अच्छा, मुझे है. लगता है इट इज़ हार्डली 4-5 ईयर्स ओल्ड. तो उनके उसके बारे में कुछ भी जजमेंट देना इट्स नॉट ईजी. मैं कहती हूँ कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड को. और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैंने जीवन में जो सोचा, जो चाहा, वो मुझे मिला है. मेहनत से मिला है, स्ट्रॉन्ग विल से मिला है, कंसिस्टेंट एफर्ट से मिला है, बट मिला है. मैंने मैंने UPSC एग्ज़ाम क्रैक करना चाहा, मैंने किया. मैंने जिस लड़के से शादी करना चाही उससे मैंने की. इट वाज अगेन ए वेरी बैड एक्सपीरियंस इन हरियाणवी सोसाइटी. हमारा इंटरकास्ट मैरिज है. उस वक्त भी ये इशू हुआ कि नो,
शादी नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है. देन अगेन माई एक्सटेंडेड फैमिली, नियर डियर वंस, सोसाइटी, बेसिकली दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दैट. दे वर नॉट इन फेवर ऑफ दिस मैरिज. उन्होंने कहा कि इंटरकास्ट नहीं होने देंगे. तो तब तक तो आप कितनी जिद्दी हैं और कितनी कमिटेड है वो सबको पता पड़ गया होगा. इसके लिए ज़्यादा विरोध शायद नहीं किया. नहीं, बहुत विरोध किया, बहुत विरोध हुआ. पंचायत का इशू हो गया, पंचायत बैठ गई. जैसा हरियाणा में जनरली होता है कि एक पंडित और एक यादव की शादी. आई एम, अच्छा, आपके हस्बैंड यादव. ही इज़ यादव बाई हिज कास्ट एंड आई एम पंडित. तो उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए. बहुत बड़ा इशू हुआ, पेरेंट्स को काफ़ी परेशान भी किया. वहाँ हरियाणा में तो वो खाप पंचायत और ये सब के प्रथा है, तो वो भी वो एक हमारे यहाँ पे जैसे कि ब्राह्मण सभा टाइप से होती है. तो उन्होंने कहा कि इट्स ए रोंग प्रेसिडेंस, ये रोंग मैसेज दैट दिस गर्ल इज़ गिविंग टू द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द सोसाइटी. आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजन एंड रोंग डिसीजन एज पर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. कि ये सही नहीं है, ये जो करके इन्होंने जो किया है ये एक गलत मैसेज है हमारी लड़कियों को, फ्यूचर जनरेशन को. बट एनी हाउ अगेन आई स्ट्रगल फॉर माई मैरिज एंड आई सॉट पुलिस प्रोटेक्शन ऑल्सो दैट टाइम. बट फाइनली वी पास दिस एग्जाम ऑल्सो. एंड रियली आई यूज टू बेसिकली टेल देम कि शादी सिर्फ शादी के लिए नहीं है, आप पंडित से शादी कर दीजिए, शादी आप एक सही आदमी से करना चाहते हैं बिकॉज यू थिंक अबाउट योर लाइफ. एंड आज मैं कहती हूँ कि मेरा डिसीजन बिल्कुल राइट था. और आज मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली कहती है जो अगेंस्ट थी कि नहीं, योर डिसीजन वॉज ऑल राइट, इट वॉज एब्सोल्यूटली राइट. जैसे दे अप्रिशिएट माई हस्बैंड, ही इज सच ए वंडरफुल मैन. सब उनके अच्छाई के कायल हो गए. मेरे ख्याल से ये शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट रहा है और शायद दुनिया की हर एक बेटी के लिए ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा. एक छोटा सा सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपको एक दिन के लिए भगवान बना दिया जाए तो आप किसको सजा देना पसंद करेंगे और किसको आप इनाम देना पसंद करेंगे? ज़िंदगी के इतने लंबे और इतनी लंबी यात्रा के बाद में, अनुभवों के साथ में. देखिए, मुझे ऐसा मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो कह रहे हैं वो चीज़ हम इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं. बट फिर भी अगर आप मेरे से जानना चाहेंगे तो मैं ना तो किसी को इनाम देना चाहूँगी और ना ही सजा देना चाहूँगी. क्योंकि ना तो सजा किसी चीज़ का सॉल्यूशन है आप, और इनाम, यस इनाम एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सेंस है किसी चीज़ के प्रति. लेकिन यस, मैं इतना चाहूँगी कि जो दबा कुचला समाज है, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी कम मिलती है, जो लोग ऐसे माहौल में जीते हैं कि जिनकी लाइफ इतनी टफ है, यस मैं उनको ज़रूर उनके लिए दुआ करना चाहूँगी, उनके लिए एफर्ट्स करना चाहूँगी. अगर उस सेंस में कि कुछ आपके हाथ में ऐसे जादू की छड़ी हो तो मैं घुमाना चाहूँगी कि इस सोसाइटी में स्टेबिलिटी आए, इस सोसाइटी में वॉयलेंस ख़त्म हो जाए, इस सोसाइटी में इक्वलिटी आए. ये जो डिस्पैरिटी बढ़ गई है, जो गरीब लोगों का जीवन बहुत जी दुखी होता है बाहर, एक एक हर नागरिक के अंदर, एक इंसान के अंदर एक इंसानी फीलिंग आए सबसे पहले. बहुत खूब. ये तो आपने भगवान ना बनते हुए भी भगवान वाली बात कर दी. हम नीलम जी एक आपसे दरख्वास्त करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप कबूल फरमाएं तो. आपके पसंदीदा गीत की एक आध पंक्ति आप अगर गुनगुना दें तो. मुझे गाना तो आता नहीं. उससे फर्क नहीं पड़ता, सवाल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का है. जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है. जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम, तू अगर संग है. बहुत खूब नीलम जी. मैं तो ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप IAS ऑफिसर ना बनी होती तो आप एक मशहूर सिंगर तो जरूर बनी होती. थैंक यू वेरी मच. दर्शकों, ये हैं नीलम जी जिनके साथ में हमने बातचीत का सिलसिला जारी किया और हमारे सवालों के काफ़ी उन्होंने अपनी दास्तान सुना के जवाब दिए.
और साथ साथ में बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी दिया, मोटिवेशन भी दिया। हमें फिर से मौका मिले कि हम उनके साथ में फिर से बातचीत करने के लिए जुड़ें, और उनके जो हस्बैंड हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है यादव साहब, वो भी अगर मौका मिला तो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे और उनका भी हम आपके सामने बातचीत करना चाहेंगे उनके साथ में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।